Hulk versus Wolverine. Oh, I'd like to see that. Hulk versus Wolverine. तो आज हम मार्वल के दो ऐसे सुपर हीरोज के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं जिन्हें आप किलिंग मशीन या हीलिंग मशीन दोनों कह सकते हैं, यानी कि हल्क एंड वुल्वरीन की, क्योंकि इन दोनों ने आज तक कई पावरफुल बींग्स को मारा है और इन्हें आप जितना भी घायल कर दें ये अपने आप को कुछ ही सेकंड में पूरी तरीके से हील कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज को देखेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और इनकी डेड बैटल का विनर कौन बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। तो ब्रूस बैनर एक बायोकेमिकल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। वे सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा था, मगर जब उसने बीटा रेस की जगह गामा रेस का यूज किया तब वे एक मॉन्स्टर में बदल गया जिसे रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मगर ये परमानेंटली के लिए नहीं था, बल्कि जब भी ब्रूस के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते थे तब वे हल्क में बदल जाता था। जहां इंसानी रूप में ब्रूस एक कमजोर आदमी था, वहीं हल्क बनने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती थी। उसकी बेसिक पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसके कारण उसके सामने बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। उसका एक ही पंच किसी को भी रोक और ठोक सकता है। वे कितनी भी भारी चीज को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। और सबसे जरूरी बात, हल्क की ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ जाती है। ज्यादा गुस्से होने पर वे अपने से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को भी हरा सकता है। हल्क के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिसके कारण वे किसी तरह के भी फोर्स या इम्पैक्ट को झेल सकता है। उस पर गोली, बम या मिसाइल का कोई असर नहीं होता है। उसे घायल करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम लोग या हथियार हल्क को घायल कर सकते हैं। जहां नॉर्मल इंसान किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को छू भी नहीं सकते, वहीं हल्क ने पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन को संभालते हुए इन्फिनिटी स्नैप किया था। इसके अलावा हल्क के पैर और हाथ काफी मजबूत हैं, जिससे वे काफी ऊंची और लंबी जंप मार सकता है और वे काफी तेज भी दौड़ सकता है। हल्क की सबसे खास पावर है उसकी रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जिसके कारण अगर वे किसी तरह घायल भी हो जाए तो वे काफी जल्दी ठीक हो जाता है। हल्क मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जिनकी हीलिंग फैक्टर बहुत ही सुपीरियर है। वे छोटी मोटी चोट से तो जल्दी ही ठीक हो जाता है, बट अगर उसका कोई पार्ट कट जाए तो वे इसे दोबारा रीजेनरेट कर सकता है। और वे अपने से साइज में बड़े क्रिएचर से लड़ने से भी पीछे नहीं हटता है और उन्हें फाइट में अच्छी टक्कर भी देता है। ऐसा कहा जाता है कि हल्क के पास दिमाग नहीं है, मगर फिर भी वे चालाक लोगों की बातों में जल्दी फंसता नहीं है। और MCU के काफ़ी खिचड़ी करने के बाद भी हल्क काफ़ी पावरफुल है, जिससे लड़ना मतलब मौत को चुनौती देने के बराबर है। तो ये तो हुई हल्क की बात, अब देखते हैं वुल्वरीन को। वुल्वरीन का असली नाम जेम्स हॉलेट है। उसे उसकी पावर्स के बारे में बचपन में पता चला था, फिर बड़े होने के बाद वह वेपन एक्स प्रोग्राम में शामिल हो गया और इस प्रोग्राम के बाद उसके शरीर की पूरी स्केलेटन एडमेंटियम का हो गई। पहले जहां उसके दोनों हाथों के क्लॉज नॉर्मल हड्डी यानी कि कैल्शियम के थे, वो भी अब एडमेंटियम के हो गए, जो कि किसी भी चीज को चीर सकते थे, और एडमेंटियम को काट पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वुल्वरीन के ये क्लॉज काफी तेज तलवारों से भी बहुत ही तेज है। इसके अलावा वुल्वरीन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो अकेले ही कई फोर्सेस, आर्मीज और सेनाओं को निपटा सकता है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक्समैन की मूवीज में दिखाया गया है, जहाँ विलन वुल्वरीन की मेमोरी को इरेज कर देते थे और उसे बैटल की जगह में उतार देते थे, और वुल्वरीन वहाँ की सारी चीजें, वहाँ की सारी आर्मी, करोड़ों सैनिक को अकेले ही तबाह कर देता था। फिर उसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अकेले ही कई लोगों से बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक लड़ सकता था। वुल्वरीन के पास सुपर ह्यूमन इंडोरेंस है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा पेन सह सकता है, और इस वजह से ही काफ़ी ज़्यादा म्यूटेंट होते हुए भी वेपन एक्स प्रोग्राम के लिए वुल्वरीन को चुना गया। और एक्समैन मूवी में भी टाइम ट्रेवल के लिए वुल्वरीन को ही चुना गया, क्योंकि टाइम ट्रेवल के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है और इस प्रोसेस में इंसान का दिमाग भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, चाहे वो दिमाग दुनिया का सबसे तेज दिमाग ही क्यों ना हो। और वुल्वरीन इस प्रोसेस को इसलिए कर पाता है क्योंकि वुल्वरीन हद से ज़्यादा दर्द सह सकता है और उसके पास अपने दिमाग को तेजी से हील करने की काबिलियत है, जिससे हमें उसके नेक्स्ट पावर के बारे में पता चलता है। वुल्वरीन के पास फिजियोलॉजिकल हीलिंग फैक्टर है, मतलब कि वो अपने बॉडी की किसी भी इंजरी को काफ़ी जल्दी हील कर सकता है। वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर का परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो उस एक्सप्लोजन से पूरे देश के लोग
जल के मारे गए, मगर वुल्वरीन उस एक्सप्लोजन के चोटों को कुछ ही सेकंड्स में हील कर लेता है। और वुल्वरीन अपने हीलिंग फैक्टर की ही वजह से जल्दी बूढ़ा नहीं होता, जिस वजह से उसकी एज 200 साल से भी ज्यादा है। वुल्वरीन की रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी काफी फास्ट है, और जैसा कि हमें पता ही है कि वुल्वरीन का पूरा स्केलेटन एडमेंटियम का बना है, तो दुनिया में बहुत कम ही ऐसे वेपन्स हैं जो कि वुल्वरीन के बॉडी के किसी पार्ट को काट कर अलग कर सकते हैं, और वो वेपन एडमेंटियम के बने होते हैं। तो अब जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और इनकी फाइट का विनर कौन बनेगा। तो इन दोनों का जो सबसे मेजर एंड कॉमन पावर है वो है इनका हीलिंग फैक्टर। इन दोनों का ही हीलिंग फैक्टर एकदम पीक लेवल का है। तो वहीं एडिशनल पावर्स की बात करें तो यहाँ वुल्वरीन के पास उसके एडमेंटियम क्लॉथ प्लस 150 साल से भी ज्यादा का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। तो वहीं हल्क की एडिशनल पावर्स है उसका गुस्सा। जब वो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर सब बढ़ ही जाएगा। इसलिए वुल्वरीन को अगर हल्क को हराना हो तो उसे फुल प्लानिंग के साथ आना होगा, ताकि वो ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से रोक सके या वुल्वरीन हल्क को हराने के लिए एडिशनल वेपन्स लाए। बिकॉज हल्क को हराना है, वो भी इनक्रेडिबल हल्क को, तो सिर्फ उसके क्लॉस के साथ ये काम नहीं बनेगा। वहीं अगर हल्क को परफेक्ट रीजन मिल जाए गुस्सा होने का, वो भी हद से ज्यादा गुस्सा होने का, तो इस केस में वो एंड द एंड वुल्वरीन के सर को उसके बॉडी से उखाड़ फेंकेगा। हल्के गुस्से के सामने वुल्वरीन का एडमेंटियम उसे नहीं बचा पाएगा। वहीं बात करें प्रोफेसर हल्क की, तो यहाँ उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता, इसलिए इन दोनों की फाइट ड्रॉ हो जाएगी। बिकॉज प्रोफेसर हल्क दिखते नहीं है पावरफुल, बट उनके अंदर इनक्रेडिबल हल्क की सारी पावर्स एंड ब्रूस बैनर का दिमाग है। खैर, आप मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां आपको ऐसे ही वर्सेस वीडियोस मिल जाएगी, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने डेडपूल और वुल्वरीन के बीच कंपैरिजन किया है, और चेक करिए कि आपने बेल आइकन को अलाउ पे किया है या नहीं, और हाँ, लाइक भी चेक कर लेना।